हेलो फ्रेंड, माय सेल्फ राजेश फ्रॉम यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल शाहजनी अवराग। नाउ इन लास्ट क्लास वी स्टार्ट ए एक्सरसाइज 4.1। इन दैट अप टू 8 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट किया है, राइट। तो नेक्स्ट वी स्टार्ट एज 9th क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 4.1। 9th क्वेश्चन, तो सी है व्हाट इज द 9th क्वेश्चन। Represent each of the following a rational number on number line. Right? Represent each of the following. On a separate number line. तो सभी को अलग अलग नंबर लाइन लिखे आप उसे रिप्रेजेंटेशन करना है, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन -3/2। तो इस -3/2 को हमें क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन करना है, राइट। तो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, राइट, तो फर्स्ट इट इज इन द फ्रैक्शन फॉर्म, इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो तो आपको इजी होगा, राइट। तो 2/3 और 3 को 2 से डिवाइड करना है। 2 1 2, 3 - 2 = 1, राइट। तो 0.2 इज 0 लो, 2 5 = 10, 0 0। तो ये 3 जो डिविडेंट है, ये डिविजर है, तो डिविडेंट क्या है, माइनस में है, -3 है। तो आवर आंसर इज -1.5, राइट। तो नेक्स्ट ड्राई नंबर लाइन, दिस इज सेंटर पॉइंट 0, ऑन राइट साइड देर आर पॉजिटिव नंबर्स एंड लेफ्ट साइड में क्या रहेंगे, नेगेटिव नंबर रहेंगे। राइट, तो सी है 1.5 है, तो -1 -2 के सेंटर में आता है, राइट। तो इन दैट दिस इज सेंटर 1.5, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो सी है दिस इज -1 -1.1 -1.2 -1.3 -1.4 and this is -1.5, or इसको ही हम -3/2 लिख सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आपको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन करना है, राइट। तो नेक्स्ट 3/8, तो थर्ड क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट थर्ड 3/8 है, राइट। तो पॉजिटिव नंबर है 3/8, तो 8 से हमें क्या करना है, 3 को डिवाइड करना है। तो यहां 3 है, 8 है, डिविडेंड इज स्मॉलर देन डिविजर, तो पॉइंट देके हमें क्या करना है, 0 लेना है, राइट। इसके नियरेस्ट नंबर लो, राइट। 8 5 = 40 होता है, 8 4 = 32 होता है, 8 3 = 24, तो 0.324 माइनस करो, दिस इज 10, दिस इज 2, 10 - 4 = 6, 2 - 2 = 0, तो पॉइंट है, हम 0 ले सकते हैं, राइट। तो 8 7 = 56 माइनस करो तो 4 आता है, तो 0 पॉइंट, तो इसका आंसर कितना आता है, 0.37 और approximately equal to 0.4, या उसे टिक कर सकते हैं, राइट। तो ड्राई नंबर लाइन फ्रॉम पॉजिटिव साइड एज वेल एज नेगेटिव साइड, 0 दिस इज -1 -2 -3, दिस इज 1 दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो सी है इन दैट दिस इज 0.5, राइट। तो 1 2 3 4 1 2 3 4
तो यहां आता है 0.4, तो 0.4 आर इसी को ही हम 3/8 लिख सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आपको नंबर लाइन के ऊपर दिए गए फ्रैक्शन को आपको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आना चाहिए। तो नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स यूजिंग ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल साइन, राइट। तो कंपेयर करने के लिए हम इन तीनों साइन का यूज करते हैं, राइट, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल साइन। तो सी है हाउ टू कन्वर्ट, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कन्वर्ट कर सकते हैं या तो डिनोमिनेटर सेम करके कर सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन 3/11 -4/15, तो यहां माइनस है, राइट। तो माइनस नंबर जो भी रहेंगे वो पॉजिटिव नंबर से भी छोटे रहेंगे, तो 3/11 इज ग्रेटर देन -4/15। थर्ड क्वेश्चन देखो, दोनों नंबर क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव नंबर में सबसे छोटा जो नंबर रहता है वो सबसे बड़ा रहता है नेगेटिव नंबर में, राइट। तो सी है -14/5 13/6, राइट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद -14 × 6 -13 × 5, 6 × 4 = 24, carry 2, 6 × 1 = 6, 8, तो 84, 13 × 5 = 13, 5 × 3 = 15, carry 1, 5 × 5 + 1 = 6, तो 84 − 65 है। तो मैंने अभी बताया है आपके जो नेगेटिव नंबर रहेंगे तो उसमें सबसे छोटा जो नंबर रहेगा वो सबसे बड़ा होगा, राइट। तो 65 इज ग्रेटर देन -84, दिस इज 13/6 इज ग्रेटर देन -14/5 और -14/5 इज लेस देन 13/6, तो ये बड़ा है इससे, राइट। तो रिमेनिंग प्रॉब्लम आप सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट वी गो टू 11th क्वेश्चन, तो सी व्हाट इज द 11th क्वेश्चन, फाइंड 4 रैशनल नंबर फोर रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, राइट। सी है, तो -9 - -8 के बीच में 4 रैशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको 2 मेथड बताया है कैसे फाइंड आउट करना है, राइट। तो या तो आप मिडल लो, राइट, मिडल देखिए फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं बोले तो आप डायरेक्ट डिनोमिनेटर बना के भी कर सकते हैं, राइट।
तो बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को डिवाइडेड बाय 10 को आप तो करके भी आप लिख सकते हैं। तो लिखो आप सी एल डिवाइड बोथ नंबर बाय 10 राइट, तो माइनस 9 बाय 8 एंड माइनस 8 बाय 10 ऐसे लिखे भी आप कर सकते हैं राइट। तो माइनस 8 बाय सॉरी ऐसे बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को हमें 10 से डिवाइड करना है राइट। तो बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज यहाँ कोई नंबर नहीं रहा तो 1 रहता है, बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को डिवाइड बोथ, यहाँ लिखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10 राइट। अब इन दोनों के बीच में के नंबर लिखना है हमें, तो यहाँ लिखो राइट माइनस 81 बाय 10, 83 बाय 10, 84 बाय 10, 85 बाय 10, तो सभी को माइनस लिखो राइट। दीज डिजिट आर, और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं माइनस 8 माइनस 9 के बीच में के 4 नंबर माइनस 8.1, 8.2, माइनस 8.3, माइनस 8.4 ऐसे भी लिखे तो चलेगा राइट। तो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। तो सी एयर व्हाट इज द फोर्थ क्वेश्चन, टू बाय 9, 3 बाय 4, तो इन दोनों के बीच में के हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है राइट। इन दोनों का एलसीएम निकालो राइट, एलसीएम निकालने के बाद कितना होता है देखो, यहां निकालो 9 4, एलसीएम निकालो 9 1 4 एज इट इज 4, 9 4 36 एलसीएम राइट। तो एलसीएम निकालो, तो इन दोनों को 36 बनाओ राइट। तो बोथ न्यूमर डिनोमिनेटर सेम करो बोले तो हमें इजी होता है राइट। तो 9 4 9 4 9 4 2 8, 36, 3 9 27, 4 9 36, तो इन दोनों के बीच में के हमें लिखना है राइट। तो लिखो 8 by 36, नेक्स्ट 9 by 36, 15 by 36, 22 by 36, 26 by 36 एंड 27 by 36, आप कौन से भी नंबर लिख सकते हैं इनके बीच में के। तो 9 लिखा है आप 10 11 12 13 14 15, अप टू 8 to 27 के बीच में जो भी नंबर आते हैं उसमें से लेके आप डिवाइड 36 करके ऐसे नंबर को फाइंड आउट करते हैं इन बिटवीन टू नंबर राइट। तो 8 by 36 एंड 27 by 36 के बीच में जो जो नंबर आते हैं वो आप लिख सकते हैं। मैंने 9 15 22 26 लिया है, आप डिफरेंट नंबर भी लेके आप लिख सकते हैं राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 12th है राइट, आइडेंटिफाई द पोजिशन ऑफ पी ऑन नंबर लाइन। तो आप देखिए लिखो उसे राइट, या तो आप डेसिमल में लिखो राइट। नेक्स्ट वी गो टू ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर। तो नेक्स्ट बीट ऑफ यूर सिलेबस इज ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर। तो ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर बोले तो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज डिवाइड ऑफ रैशनल नंबर हमें करना है। तो ऑपरेशन मैथमेटिक्स में ऑपरेशन बोले तो हमारे पास 4 ऑपरेशन है, बेसिक 4 ऑपरेशन, प्लस माइनस
मल्टीप्लीकेशन एज वेल एज डिविजन राइट. तो सी है ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर इन द फर्स्ट एडिशन एडिशन ऑफ रैशनल नंबर. तो देखो हम रैशनल नंबर का एडिशन कैसे करते हैं राइट. तो आपने फ्रैक्शन में पढ़ा है इफ द डिनोमिनेटर्स आर सेम देन एड द न्यूमरेटर्स और सबट्रैक्ट द न्यूमरेटर्स. सपोज डिनोमिनेटर सेम नहीं रहे तो हम एलसीएम निकाल के या तो डिनोमिनेटर सेम बना के हम एडिशन करते हैं राइट. नहीं बोल तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके एडिशन करते हैं राइट. तो हम तीनों मेथड पढ़ेंगे एडिशन ऑफ रैशनल नंबर राइट. तो सी हियर एग्जांपल -3/11 +4/11. तो सी हियर इफ द डिनोमिनेटर्स आर सेम देन एड द न्यूमरेटर्स राइट. 11 माइनस 3 प्लस 4 राइट. इफ टू नंबर्स हैव डिफरेंट साइन देन सबट्रैक्ट इट. 1/11 इज द आंसर. तो -3 प्लस 4 है तो प्लस 4 में -3 माइनस करो तो आंसर 1 आता है. तो आंसर इज 1/11. सेकेंड क्वेश्चन 6/-11 प्लस -4/11. तो सी है इन फर्स्ट रैशनल नंबर द डिनोमिनेटर इज माइनस. इसे हम ऐसे लिख सकते हैं -6/11 प्लस -4/11 राइट. तो इफ द डिनोमिनेटर्स आर सेम देन एड द न्यूमरेटर. अगेन डिनोमिनेटर्स आर सेम तो 11 माइनस 6 माइनस प्लस माइनस 4 लिखवा. -6 प्लस इंटू माइनस -4 11 राइट. इफ टू नंबर्स हैव द सेम साइन देन एड इट एंड राइट द सेम साइन राइट. तो -6 -4 -10/11 इज द आंसर. तो इस तरह से हमें एडिशन करना है राइट. तो सी है शॉर्ट एग्जांपल नंबर 1. शॉर्ट एग्जांपल देखो नंबर 1. Add the following rational number. Right? R number is a rational number. So A question is data 5/9 and -7/9. So write here solution 5/9 plus -7/9. So see here the denominators are same, then write the denominator and add the numerator. So 5 plus into minus -7 divided by 9 to -2/9 is the answer. So here 2 hai. -2/9 is the answer. राइट. तो रिमेनिंग प्रॉब्लम आपके बुक में है, आप देख के सॉल्व करो राइट. तो इस प्रॉब्लम में डिनोमिनेटर सेम थे तो अगला और एक प्रॉब्लम करेंगे हम. एग्जांपल नंबर 2 का करेंगे. फाइंड -3/8 प्लस 7/-2 राइट. तो सी है तो डिनोमिनेटर क्या है डिफरेंट है यहां. तो इसे हम 7/-2 ले, इसे हम -7/2 लिख सकते हैं. तो ऐसे लिखो आप -3/8 प्लस -7/2. तो 12 और 8 का एलसीएम निकालो.
8 टाइम 12, तो 4 से करेंगे फर्स्ट, 4 2 जा 4 3 जा 2 से करो 2 1 जा 3 एस बी 3 1 जा एलसीएम इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू 3, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, राइट। तो बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है, 24 में कन्वर्ट करना है। तो 8 को 24 में कन्वर्ट करना है तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है हमें, 8 3 जा 24, राइट। तो सी है 8 3 जा 24, तो बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करो एंड 12 2 जा 24, तो 2 से मल्टीप्लाई करो। तो राइट हियर 3 इंटू 3 इज 9, तो माइनस है माइनस 9, 8 3 जा 24 प्लस 7 2 जा 14, तो माइनस 14 डिवाइडेड बाय 12 2 जा 24, राइट। इफ द डिनोमिनेटर्स आर सेम देन ऐड द न्यूमरेटर, तो प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है, माइनस 9 माइनस 14, तो आंसर इज माइनस 23 डिवाइडेड बाय 24, राइट। तो इस तरह से आपको ऐड करना है, राइट। तो ये एलसीएम निकाल के आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वी गो टू एक्सरसाइज 4.2, राइट। तो रिमेनिंग प्रॉब्लम आपके बुक में है, वो आप देख के करो। एक्सरसाइज 4.2, तो इन दैट फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, फाइंड द सम ऑफ, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन माइनस 11 बाय 12 एंड 1 बाय 12, तो सम बोले तो हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो सी है माइनस 11 बाय 12 प्लस 1 बाय 12, इफ द डिनोमिनेटर्स आर सेम देन ऐड द न्यूमरेटर्स, तो प्लस इनटू प्लस इज प्लस, राइट, माइनस 11 प्लस 1, तो आंसर माइनस 11 प्लस 1, टू नंबर हैव डिफरेंट साइन देन सब्ट्रैक्टिव, तो माइनस 11 में 1 निकल तो माइनस 10 बाय 12, इसे सिंपलर फॉर्म में लिखो 5 जा 6 जा, तो माइनस 5 बाय 6 आंसर लिख सकते हैं, राइट। तो देखो सभी डिनोमिनेटर्स सिंपलीफाई में, फर्स्ट क्वेश्चन में सभी डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम है, राइट। तो आप होमवर्क में करो सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट वी गो टू डायरेक्ट सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज माइनस 4 बाय 27 प्लस 5 बाय 9, राइट। तो यहां 27 ही यहां 9 है, राइट। तो इन दोनों में से देखो इसे चेंज कर सकते हैं 9 को, बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को क्या करना है हमें, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो माइनस 4 बाय 27 प्लस 5 बाय 9, राइट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 9 3 जा 27 होता है, तो डिनोमिनेटर सेम होता है, माइनस 4 बाय 27 प्लस 5 3 जा 15, 9 3 जा 27, the denominators are same then add the numerators, तो ये प्लस एक माइनस है तो हमें सब्ट्रैक्शन करना है, 11 by 27 is the answer, right, 11 by 27 is the answer, तो next हम third question करेंगे,
What is the third question? 5/4. 5/4 plus minus 9/4. तो ये देखो दोनों को एक ही बना सकते क्या हम, राइट? तो 4/5 प्लस माइनस 9/14, तो डिनोमिनेटर सेम करना है, नहीं बोले तो 4 और 14 का एलसीएम निकालो, राइट? तो एलसीएम निकालेंगे 4 and 14, 2 से करेंगे 2 2s are 2 7s again 2 1s are 7 as it is 7 1s, तो एलसीएम 2 into 2 into 7, 2 2s are 4 4 7s are 28. तो इन दोनों डिनोमिनेटर को हमें 28 बनाना है, राइट? तो 28 बनाना है तो बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है. 4 हाउ मच? 28, राइट? 4 7s are 28, तो बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई करो, एंड 14 2s are 28, तो 2 से मल्टीप्लाई करो. तो यहां लिखो आप 7 5s are 35, 4 7s are 28, plus minus 9 2s are minus 18, 14 2s are 28. तो see here denominators are same, then add or subtract the numerator. तो 35 plus into minus minus 18 divided by 28. तो 35 minus 18 is 17/28 is the answer, right? 17/28 is the answer. तो इस तरह से आपको डिनोमिनेटर सेम करके भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट 8th क्वेश्चन करेंगे लास्ट. तो 8th क्वेश्चन, -7/13 प्लस 6/5 है. तो सी यार यहां डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, तो एलसीएम निकालो फर्स्ट 13 और 5 का, राइट? तो 13 और 5 का एलसीएम निकालो, 13 and 5, 13 1s are 13, 5 as it is 5 1s are 5, right? So LCM is equal to 13 into 5, 13 5s are 65, right? LCM निकालो. अब इन दोनों को हमें 65 बनाना है, तो 13 5s are, तो both numerator as well as denominator को अब क्या करो, तो इन दोनों डिनोमिनेटर को हमें 65 बनाना है, तो इस फ्रैक्शन को हमें बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करना है. और 5 हाउ मच? 65, 5 13 है, तो इसको 13 से मल्टीप्लाई करो, राइट? तो सी हियर 7 5 है माइनस 35, 13 5 है 65, प्लस 6 13s are, right? 6 5s are 13, 5s are 65, 13 6s are 78. So see here, 6 3s are 18, carry on 6 1s are 6, plus 1 78 by 65. So add over 65 minus 35 plus 78. So minus go up. 78 minus 35 with 3, 4 minus 3, 43. So 43 by 65. So large number 78 hai, isliye positive. 43 by 65 is the answer. Yeah. 43 by 60. Yahan likho aap. 43 by 65. राइट? तो यहाँ पॉजिटिव जो लार्ज नंबर है वो पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पॉजिटिव, राइट? तो 43/65 इज द आंसर. तो रिमेनिंग प्रॉब्लम
जो सिंप्लीफिकेशन में है सेकंड क्वेश्चन में, वो सभी सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कीजिए। रिमेनिंग पार्ट विल बी कंटिन्यूइंग नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। डू होमवर्क।